आप एक दिन में नहीं मरते, आप धीरे धीरे मरते हैं। उड़ान के बाहर निकलने से पहले कुछ ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे शरीर फिर से जीवित हो सकता है। उनके भीतरी कपड़ों को जला दिया जाना चाहिए, वरना वहां तमाम तरह की शक्तियां रहने लगती हैं। नमस्कार सतगुरु, मेरे पिता की मृत्यु के बाद भी मेरे पास उनके कई कपड़े हैं, पर मुझे पता है कि कुछ परंपराओं के हिसाब से मृतक के कपड़े नहीं रखने चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब आपका जन्म हुआ था, आपका जन्मदिन क्या है? 1 अगस्त। 1 अगस्त? ओ, आने वाला है। आप एक दिन में पैदा नहीं हुए, हालांकि आपका जन्मदिन तय है। आपको पैदा होने में 9-9.5 महीने लगे, है ना? इसी तरह जब आप मरते हैं तो आप एक दिन में नहीं मरते, आप धीरे धीरे मरते हैं। मेडिकल रूप से मृत घोषित होने के बाद भी मृत्यु पूरी तरह से नहीं होती। मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बात की है। 5 प्राण धीरे धीरे कदम दर कदम बाहर आते हैं। भौतिक जीवन ऊर्जा, जिसे आमतौर पर प्राण कहते हैं, प्राणा, उसके 5 मूल रूप हैं। 10 हैं, पर वो मुश्किल होगा, तो हम 5 ही समझेंगे। उन्हें कहते हैं समान, प्राण, उदान, अपान और व्यान। मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है जो किसी व्यक्ति को किसी पल में मृत घोषित करता है, तो अगले 21 से 24 मिनट में समान बाहर निकलने लगेगा, यानी शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए समान जिम्मेदार है। सबसे पहले शरीर ठंडा होने लगता है। पारंपरिक रूप से मृत्यु का पता लगाने के लिए नाक को छुआ जाता है। अगर नाक ठंडी हो गई है तो वे समझ जाते हैं कि व्यक्ति मर चुका है। वे आंखें या दूसरी चीजें नहीं देखते, वे सिर्फ नाक को छूते हैं। नाक ठंडी है यानी व्यक्ति मर चुका है, तो समान तब बाहर निकलता है। 48 से 64 मिनट के बीच प्राण निकल जाता है। उसके बाद 6 से 12 घंटे में उदान निकलता है। उदान के निकलने से पहले कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं से शरीर फिर से जीवित हो सकता है, पर उदान निकलने के बाद एक बहुत सूक्ष्म मौका होता है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। सिवाय उसके उदान के जाने के बाद शरीर फिर जीवित नहीं हो सकता। अगला है अपान, जो 8 से 18 घंटे के बीच बाहर निकल जाता है। व्यान, जिसकी प्रकृति सुरक्षित रखने की होती है, वो उसके बाद बाहर निकलता है। सामान्य मृत्यु हो तो ये 11 से 14 दिनों तक बाहर आता रहता है। एक दिन शंकरन पिल्लई अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद पत्नी ने आकर पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। पत्नी ने कहा, क्या कह रहे हो कुछ नहीं? मैं पिछले आधे घंटे से देख रही हूं, तुम हमारी शादी का प्रमाण पत्र पढ़ रहे थे, क्या बात है? शंकरन पिल्लई बोले, मैं एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूं। तो हालांकि मृत्यु की समाप्ति तिथि हो सकती है, पर व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता। यह एक धीमी प्रक्रिया है। वाकई ये अभी हो रहा है, धीरे धीरे। योग से आप मृत्यु के मार्ग में रुकावट डाल सकते हैं,
पर उसे रोक नहीं सकते। हाँ, दैनिक अभ्यास एक रुकावट है जिससे यह धीमा हो जाता है, पर रुकता नहीं है। तो आज आपके पुराने कपड़ों से हम आपका डीएनए ले सकते हैं। आपके जाने के बाद 100 साल बाद हम आपका क्लोन बना सकते हैं। हाँ, हाँ या ना, आपको पता है? तो कम से कम आपकी भौतिकता आपके कपड़ों से जो ली जा सकती है, और हम आपको फिर से बना सकते हैं। कम से कम आप जैसा दिखने वाला व्यक्ति बना सकते हैं, हम शरीर बना सकते हैं। तो आप अभी भी हर जगह मौजूद हैं। जब योगी मरते हैं तब उस कुटिया को जला देते हैं जिसमें वे अकेले रहते थे। ऐसा करने का तरीका है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहां कॉटेज में आग लगा दें। तो वे हमेशा उस झोपड़ी को जला देते हैं जिसमें वे रह रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि डीएनए का एक भी अणु वहां जीवित रहे। क्योंकि जब एक तरह से आपका शरीर मौजूद होगा, अगर उससे आपका शरीर फिर से बन सकता है, तो जाहिर है कि आपका शरीर मौजूद होता है ना? तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई हर चीज जलाई जाती है, सब साफ किया जाता है। इसी वजह से यही एक मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक पथ पर लोग अपनी भौतिक संपत्ति को इतना कम रखना चाहते हैं। अगर आप एक सन्यासी के कमरे में जाएंगे तो आप देखेंगे 3 जोड़ी कपड़े अच्छे से रखे हुए होंगे, पानी पीने के लिए बस एक बर्तन, खाने के लिए एक थाली और सोने के लिए सिर्फ एक चादर। And that's it. एक भी अतिरिक्त वस्तु नहीं, क्योंकि वो संसार की कई चीजों को छूना नहीं चाहता। वो इसे कम से कम रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि वो अपने शरीर को चारों ओर फैलाएगा तो उसे इकट्ठा करना और जाना बहुत कठिन होगा। इसीलिए वो किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर उसका शरीर हर जगह होगा तो उसे इकट्ठा करके जाना बहुत मुश्किल होगा। जो लोग आपके शरीर से आए हैं, वे भी समय आने पर आपके साथ नहीं जाना चाहते। वे नहीं आएंगे, वे कहेंगे आई लव यू, पर वे आएंगे नहीं। तो मृत्यु होने पर वो व्यक्ति जैसा था उस हिसाब से ये चीजें संभाली जानी चाहिए। आज की दुनिया में जब लोगों ने 3 जन्मों के लिए पर्याप्त कपड़े, 10 जन्मों के लिए पर्याप्त जूते इकट्ठा कर लिए हैं, तो वो सब जला देना सरासर बर्बादी होगी। और वैसे भी उनके जीने का तरीका और शरीर छोड़ने का तरीका ऐसा होता है कि वे हमेशा इस धरती पर फिर से आते हैं। सब जलाने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम जो चीजें शरीर से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, जैसे उनके भीतरी कपड़े और वैसी चीजें जला देनी चाहिए। उन्हें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वरना वो जीव आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो समझ नहीं पाएगा, उसमें यह समझने का विवेक नहीं होगा कि उसे यहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए। वो तय नहीं कर पाता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि विवेक नहीं होता। शरीर छूटने के बाद प्राणी चीजों में फर्क नहीं कर पाता, तो निर्णय नहीं होता, बस प्रवृत्ति होती है। यहां बहुत सी चीजें हैं जो शरीर की हैं, वो उनके पास रहेगा, खासकर पहले कुछ दिनों में,
तो अगर घर में बहुत सारे इस्तेमाल किए गए कपड़े हैं, जो कि पश्चिमी दुनिया में एक समस्या है, क्योंकि कपड़े इस तरह के हैं और समाज के तौर तरीके ऐसे हैं कि हो सकता है कोई 6 महीने वही जैकेट बिना धोए पहनता रहे, हाँ? आप उसका इस्तेमाल करते हैं और वहीं लटका देते हैं क्योंकि वहां ठंड है और शायद आपको इतना पसीना नहीं आता, इस्तेमाल करके लटका देते हैं। भारत में ऐसा संभव नहीं। अगर किसी चीज का इस्तेमाल होता है तो उसे धोया जाता है। कपड़ों की प्रकृति, वातावरण और सामाजिक तौर तरीके ऐसे हैं, पर यह बदल रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग चीन में बने कपड़े पहन रहे हैं, न कि भारत में बने कपड़े। तो वे ऐसे कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका इस्तेमाल करके उन्हें लटका देते हैं, न कि धोते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर हर पहलू को संभाला गया था, पर हम इसे बड़े पैमाने पर खो रहे हैं। इन कपड़ों का बार बार इस्तेमाल करके लटका दिया जाता है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आज कुत्ते मौजूद हैं। अगर आप एक पुलिस का कुत्ता लाएं और यहां 1000 जैकेट हों और आप उसे कहें कि जिम की जैकेट बताओ, तो वो बता देगा, हाँ, गॉड नहीं, बस डॉग। तो जाहिर है आप वहां उस जैकेट में कई तरह से मौजूद हैं, है ना, जिसे कुत्ता भी देख सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है, तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ऊर्जाएं वहां होती हैं, बल्कि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी। आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है, और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है। तो या तो इसे तुरंत धो दीजिए। भारत में सभी महंगे कपड़ों को धो दिया जाता है। पहले 10 या 11 दिनों में सभी कपड़ों को धोकर अलग अलग जगह बांट दिया जाता है, न कि एक ही जगह। सारे कपड़े एक ही परिवार को नहीं दिए जाते। आप ये पक्का करते हैं कि जैकेट यहां जाए, पैंट वहां जाए, वो वहां और ये वहां जाए, ताकि सब कुछ इतना फैल जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण उपस्थिति न हो। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इज नॉट देयर। या फिर शरीर के साथ जो भी कपड़ा गहरा जुड़ा था उसे जला दें। इनमें से एक काम जरूर करना चाहिए। या तो आपको उन्हें 50 राज्यों में देना चाहिए, ताकि बूढ़ा व्यक्ति भ्रमित न रहे कि कहां जाना है, या आपको उन्हें जला देना चाहिए।